विधानसभा अब सुगनी नहीं है, एक और मृत्यु से वास्तु का या भूत प्रेत का संबंध नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये जो वर्णन है शास्त्रों में उनमें मृत्यु का इनसे कोई संबंध नहीं। से विधायक अगर भूत प्रेत की बात करेंगे तो आप जनता को डराने का काम कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। डेंगू एक आम आदमी को हो सकता है तो एक विधायक को क्यों नहीं हो सकता? विधायक कोई सुपरमैन है, विधायक भी एक आम आदमी, आम परिवारों में आम लोगों से मिलता है। अगर किसी भी आदमी को डेंगू हो सकता है तो विधायक को भी हो सकता है। इसमें इतना कोहराम मचाने की जरूरत नहीं है, इसका वक्त पर इलाज कराएं, इसका बड़ा अच्छा इलाज है। इसमें भूत प्रेत को दोष देने से काम नहीं चलेगा। हम सबको शर्म भी आनी चाहिए और सोचना भी पड़ेगा कि विधानसभा में हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। यहाँ पे विधानसभा में जो कर्मचारी अधिकारी है वो तो डेली काम करते हैं, विधायक तो साल में एक दो बार आते हैं, तो इस हिसाब से अधिकारियों और कर्मचारियों को तो एक को भी यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए था, सभी को कुछ ना कुछ हो जाता। तो ये बेकार की बातें हैं। और यहाँ उस शिक्षा मंत्री जहाँ बैठे वहाँ पे ऐसे अंधविश्वास की बात करना, वहाँ अशिक्षित तो जैसी बात विधायक करे, ये अपने आप में एक सोचने वाली और एक शर्म की बात है। तो अलग अलग रिएक्शन यहाँ पर है। फूलचंद भिंडा जी, तीन बयान अलग अलग, घनश्याम तिवारी जी का, अशोक चांदना जी का, एक और बयान। सर किसको सही मानते हैं? सोलंकी जी, मैंने अभी पहले कहा एक वाक्य मनमाने की बात, आस्था उसके प्रति, श्रद्धा उसके प्रति, आचरण, ये सब अलग अलग चीजें हैं जी। और किस संदर्भ में कोई बात कही जा रही उसको इन टोटल पढ़ा जाए या इन टोटल समझा जाए। ठीक है सर, राजनीति हम हो सकता है बेहतर तरीके से नहीं समझते हो, तो सर भूतों का मतलब यहाँ पर राजनेताओं से था, विपक्ष से था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उन नेताओं से था जो विरोध करते हैं, जिसने जैसा कहा वैसा उत्तर उसको मिल गया। सर वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, भूतों से मतलब क्या था? सर आप फर्स्ट इंडिया के जरिए बता जाइए कि आपके विधायक जो बार बार कह रहे थे, मुख्य सचेतक जो कह रहे थे, बार बार नहीं, संसदीय कार्य मंत्री जो कह रहे थे, एक बार टिप्पणी की, बार बार नहीं, तो बताइए वो टिप्पणी किसको लेकर थी? क्या किसको भूत समझ रहे हैं? नहीं, उन्होंने ये बात चली इस रूप में कि 200 बार बार 200 में व्यवधान आता है जी, तो उसको दिखाना चाहिए। तब फिर एक ने कहा कि यहाँ भूत हो सकते हैं क्योंकि शमशान था यहाँ। फिर आगे बात बढ़ी, तब एक माननीय सदस्य ने कहा कि मैं खुद मेंबर था उसका निर्माण का, तो हम जगह भी देख कर गए थे, तो यहाँ मजारे भी थी और यहाँ शमशान भी थे। फिर आगे बात बढ़ी तो कुछ उनको करवाना चाहिए, ये बात भी आ गई जी। इसमें से टिप्पणियाँ करते गए लोग, ऐसी स्थिति बनी, तो उसी प्रकार से सारा चीज़ें टिप्पणी करते करते सर यहाँ तक पहुंच गई कि एक कमेटी का गठन करना चाहिए। नहीं, वो तो आपने ले ली ना, उठा ली ना, सारे मीडिया ने उठा ली इसको, मीडिया को आज 3 दिन हो गए, मीडिया इसी पर अपने चैनल चला रहा है। मीडिया सर चैनल नहीं चला रहे, हम जानना चाह रहे हैं कि हमारे विधायक सोचते क्या है, पता तो चले भूत कौन है। मैंने कह दिया ना मनमाने की बात, ये तो सर माफी मांगनी चाहिए इसको लेकर, जिन्होंने कहा वो मांगे साहब, मांगनी चाहिए। आपके हिसाब से उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि गलत तरीके का संदेश प्रदेश में दे दिया? ऐसा अपराध नहीं है ये, अभी तो हम सब लोग सर, पिछले 40 साल से 20 सालों से अंधविश्वास को दूर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ना जाने कौन कौन से नियम लाते हैं, और विधायक बैठकर कहते हैं कि भूतों पर चर्चा होनी चाहिए। इस देश में ऐसी प्रवृत्ति चलती है, आपको ध्यान होगा, आपको तो ध्यान नहीं होगा, नरेंद्र सिंह को ध्यान है जी, सती प्रथा पर इतना आंदोलन खड़ा कहा कम्युनिस्टों ने, सारे दुनिया के कम्युनिस्टों ने, और संघ के सरसंघ चालक थे, उन्होंने क्या कहा, ये प्रथा नहीं, ये गलत शब्द का उपयोग किया गया है। प्रथा का मतलब जो भी मरेगा जिसकी पत्नी सही वो जलेगी, ऐसी थी क्या? करोड़ों में एक मत होता था इस कांड से, वो अपने आप बंद हो गया, चैप्टर बंद हो गया, सती प्रथा से मेरे को मार भी अपने आप बंद हो गया, वो विषय बंद हो गया। नहीं नहीं सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये दंग से उतर पहुंचा दी परंपरा शब्द का मतलब वो कल्याण सिंह जी सर परंपरा नहीं, मैं तो यहाँ जानना चाह रहा हूँ कि भूत से मतलब क्या है, एक संदेश तो जाए ना प्रदेश की जनता में। वो बहस कर रही है इस बात को लेकर कि उनके विधायक, कैबिनेट मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, मुख्य सचेतक भूतों का जिक्र कर रहे हैं विधानसभा में बैठकर। सोलंकी जी, मैं राजस्थान कॉलेज में पढ़ता था, टोंक पाठक रहता था, वहाँ शौचालय नहीं थे इसलिए शमशान में सो जाते थे, कई बार आधी रात को भी जाते थे, मैंने तो कभी देखा नहीं इस प्रकार का। और अगर आत्मा से जुड़ा हुआ भूत का शब्द है तो जहाँ आत्मा निकलती है, जहाँ मरता आदमी, उस जगह भूत होना चाहिए, शमशान में कहूँगा वहाँ तो हम उसको पंचतत्व में विलीन करने के लिए। सर इतना विधायक नहीं समझते आपका? अब ये तो उनसे पूछा जाए, मैं तो क्या जवाब दूं सर। नहीं सर, मतलब ये तो जानकारी होनी चाहिए ना,
क्योंकि बड़े बड़े पदों पर आसीन होने के बाद अगर ऐसे बयान देंगे तो फिर जनता क्या समझे। ठीक है सर, आप टिप्पणी नहीं कर पाएंगे कुछ इसी अंदाज में जैसे भूतों पर अब ज्यादातर लोग भी टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं। बालमुकुंद चार्य जी, सर क्या वाकई में इस बात को एक सियासी तंज की तरह आगे लिया गया, उसके बाद इसको आगे बढ़ाया गया और अभी तक मजाक ही चल रहा है? देखिए, विधानसभा में जो बैठते हैं वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे कि उन्हें क्या महसूस हो रहा है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो शास्त्रों की बात है, पुराणों की बात है, हमारे वेदों की चर्चाएं हैं, उसको हम मिथ्या नहीं कह सकते। नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों होती है। देवता थे तो राक्षस थे, भले वो स्वभाव के थे राक्षस, मैं नहीं कहूँगा कि उनके दो सींग थे, दो बड़े दांत थे और बड़े बड़े बाल थे, उनके कर्म जो थे वो राक्षसी प्रवृत्ति थी जिनसे बराबर देवता लड़ते थे। तो कई बार हो सकता है कोई स्थान पे, कोई जगह पे कोई नेगेटिव एनर्जी हो, कोई ऐसी बुरी शक्ति हो जिसकी वजह से कामों में व्यवधान आते हो, बाधाएं आते हो, तो पूजा पाठ अनुष्ठान ये कोई बुराई नहीं है। ये आज क्या ये विधायक महोदय कोई भी एक्सवाइजेड कांग्रेस बीजेपी कम्युनिस्ट कोई भी हो, ये विधानसभा के बाहर निकल कर ये कह दे गारंटी से हम नहीं मानते, 100 के 100% सब मानते हैं, कांग्रेस के हो बीजेपी के हो सब मानते हैं, भगवान को भी मानते हैं और भगवान से संबंधित जितने उपाय पूजा कर्म पाठ हमारे कर्मकांड सबको मानते हैं। ढकोसला ढोंग ये सब खाली बोल सकते हैं दिखने के लिए, लेकिन मानते सब हैं, सब लोग चर्चाएं करते हैं इस विषय पर, लेकिन विधानसभा में क्या कोई भूत या प्रेत आत्मा घूम रही है क्या, इस बात को बहस या चर्चा न करके इसके लिए विद्वानों को बुला के और वहां पर जो इस डिपार्टमेंट के मालिक हैं, जो इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसे हर एक मंत्री का अधिकारी का विधानसभा को बनाए तो विद्वानों ने ही होगा, विद्वानों से राय ली होगी, वास्तु के जानकार होंगे, बिल्कुल ली होगी, लेकिन कहीं बनाया होगा, बिल्कुल ली होगी, बिना लिए तो बना नहीं होगा, लेकिन आज फिर भी कोई अगर उसमें कमी रह गई है तो उसे चेक करवा लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक अच्छा बयान दिया था सर कि विधायक जो है साल में 2 या 4 बार यहाँ पर आते हैं, अधिकारी वहीं पर रहते हैं, उनको किसी को भूत दिखाई नहीं देता, सिर्फ विधायकों को भूत दिखाई देगा। भूत दिखना या नहीं दिखने की तो इसमें कोई सोलंकी जी चर्चाएं हुई नहीं है। बात यह हो रही है कि इसमें क्या कोई भूत प्रेत पिशाच कोई आत्मा कोई बुरी चीज तो नहीं है ऐसी जिसकी वजह से विधायक पूरे रह नहीं पाते, पूरा सदन बराबर चल नहीं पाता। विधायकों को टारगेट किया जा रहा है, भूत वाकई में राजनीति समझता है या मरने के बाद भी राजनीति का हिस्सा है, उसको मोड़ दूसरी जगह, अधिकारियों को टारगेट नहीं करेगा, विधायकों को टारगेट करेगा। हाँ, आप ये कह सकते हो कि हो सकता है कोई विधायकों को काम ठीक ठाक नहीं चल रहा हो तो वो ऊपर बैठकर देख रहे हो और उसको बराबर चेक कर रहे हो, ये आप कह सकते हो, ये कहा जा सकता है। ठीक है, नवरंग सिंह जी, सर अब यही कहा जा सकेगा क्योंकि जो 24/7 पूरे साल विधानसभा के अंदर रहते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उनको किसी को महसूस नहीं होता और उनको वो कुछ कहते भी नहीं है, लेकिन जैसे ही विधायक वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर अंदर जाते हैं उनको परेशानी हो जाती है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया, फिर कह रहा हूं कि 77 से मैं लगातार आ रहा हूं जी, और बच्चे, मेरा छोटा बच्चा आजकल इंस्पेक्टर DSP बनने वाला है, वो 4 साल का था जी, और वो सब घूमते फिरते थे, कोई बात होती तो कभी सामने आते, 8/1 में था मैं तो उसमें सब करते थे। तो सर आपको लगता है कि तंज कसने है के लिए, विपक्ष पर तंज कसने के लिए, किसी नेता पर खास तौर पर तंज कसने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया और फिर वो बात आगे चलती चली? कहने का मतलब है कि वेदों की बात है, उसमें ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता जी, क्योंकि वो तो अपना काम है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि विधानसभा में कोई भूत नहीं है, कोई पूजा करे पाठ करे तो उसे मैं कोई मना नहीं सर, करता उसमें हूं। कोई मनाई नहीं है उसमें, और जहाँ तक विधानसभा में मरने का सवाल, मेरा सवाल सर फिर जहाँ तक मौत अगर का अधिकारियों को महसूस सवाल है, जहाँ तक मौत का सवाल है, आपको बता रहा हूँ कि वो तो अब जाकर वो कुमारी मरी है, उसे पहले तो सब थे ही, अब एक ने मान लो सजा हो गई, इस्तीफा दे दिया तो वो भी थोड़ी चले गए, तो चलता ही रहता है। सर अब इस हिसाब से राजस्थान को देख ले, मैं बार बार आंकड़े दे रहा हूँ, तो हर दिन 25 से 30 मौतें सड़क हादसों में हो जाती है, ये टोटल आंकड़ा है कुल विधानसभा के बराबर का, अब इसको क्या माने? हर चौराहे पर अनुष्ठान होना चाहिए, हर सड़क पर अनुष्ठान होना चाहिए। बीच में मैं बताऊं कि सती की बात इन्होंने कही जी, सती प्रथा को भी सबसे पहले मैंने उठाया था, मेरे को लुहागर में 500-400 आदमी आगे मार भी डालते, कहने का मतलब वो एक बुराई थी जी, उस बुराई को अगर समाप्त किया है किसी ने तो मैं उसको अच्छा मानता हूँ। ठीक, अब आज बताओ ये सेना वाले फिर मेरे पीछे पड़ रहे हैं, मैंने कहा कानून का पालन करो कि भाई ये सिनेमा फिल्म स्वीकार की जाए कि नहीं की जाए जी, संविधान जो है कोई सेना नहीं है,
इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि संविधान के अनुसार मैं कह रहा हूँ। सर आपको लगता है कि जिन्होंने न कोई भूत है, न कोई प्रेत है, न कोई कर्मकांडी है, अच्छी जगह है, यहाँ का अच्छा काम हुआ है, पहले रामकिशोर जी ने उसको अलॉट करवाया है, ये भैरव सिंह जी के टाइम पर जो है इसकी शुरुआत हुई है और अशोक गहलोत ने राष्ट्रपति को बुलाकर उसका उद्घाटन करवाया था, तो सब मिलजुल कर जहाँ तक आप कर्मकांड की बात करो, जहाँ तक आप पूजा पाठ की आ नहीं पाए थे, अगर मैं गलत नहीं तो सर, नहीं जहाँ तक आप आ नहीं पाए थे और बिना अनुष्ठान के इसमें प्रवेश किया गया था सर, अगर मैं गलत नहीं तो सर, क्यों टल गया था वो पहले जी, मैं यकीनन ये मान लूंगा कि सर मुझे जानकारी आपसे बहुत कम होगी क्योंकि शायद जितना आपका एक्सपीरियंस है उतनी मेरी उम्र होगी, ये हो सकता है, लेकिन जहां तक मेरे पास जानकारी है सर वो नहीं आए थे, वो बाद में आए थे सर और बिना अनुष्ठान के यहाँ पर प्रवेश हुआ था। अभी तो कोई लोग ये भी कह सकते हैं बाबड़ा जी ने लड़ाई लड़के बजरी जी से अड़कर के 125 करोड़ रुपए मंजूर करे, बाद में शायद 150 लेकिन सर खर्च हुआ, लेकिन बाबड़ा जी नहीं आ पाए कल, इसका भी कोई दस्तान पड़ा है, लेकिन फूलचंद जी ऐसा तो नहीं होगा ना सर विधानसभा में कि जैसे आजकल भूतों का जिक्र हो रहा है और भूतों को मानने की बात की जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका वोटर आईडी कार्ड बनाने की बात हो, दुनिया में सब मान चुके हैं, तंत्र विद्या भी है और मंत्र विद्या भी है जी, अब इसके डायमेंशन आप खुद भी चेक करें, मंत्रों पर वास्तु पर आधारित है, नकार नहीं सकते हम इस जयपुर शहर में कि हमारा वैदिक साइंस को लेके साथ काम नहीं किए, राजा महाराजाओं के जमाने से सब चीजों को देखा जा रहा है सर, उन पर सवाल कोई नहीं कर रहा है, लेकिन कौशलेंद्र दास वाकई में अगर अनुष्ठान का जिक्र किया जाए तो सर सच्चाई है कि प्रवेश के दौरान अनुष्ठान नहीं हुआ, लेकिन जब इसको आधारशिला रखी गई उस दौरान अनुष्ठान किया गया और अनुष्ठान वैसे भी हो जाना चाहिए, कोई किंतु परंतु भिंडा जी कुछ कहना चाह रहे हैं एक लाइन में, भिंडा जी मैं ये कह रहा था कि सारी दुनिया ये मान चुकी है, लेकिन विज्ञान की कसौटी में जब देखते हैं ना हम, तो विज्ञान की कसौटी में भारत का प्रत्येक जो इतिहास का पार्ट है वो सत्य ही साबित होगा। जैसे मैं बताऊँ आपको, राजस्थान में दक्षिण मुखी मकान को अच्छा नहीं मानते, क्यों? विज्ञान की कसौटी में कसेंगे ना तब तो वो अंधविश्वास नहीं हुआ, अंधविश्वास है। कैसे? हमारे यहाँ 10 महीने तक हवाएं चलती हैं उत्तरी और पश्चिमी, जब उधर की हवाई अंडर नहीं आगे तो मकान से सही नहीं, इस कसौटी पर कसा जाना चाहिए इन सब बातों को, वैज्ञानिक कसौटी पर जी। मैंने कहा हमारा वैदिक साइंस, देखिए आपने शुरू में कहा कि उन्होंने कहा तो आप ये कह रहे हैं कि भूत है, हो सकता है विधानसभा में क्या? नहीं नहीं, मैं अभी भी नकार रहा हूं विधानसभा में, मैं अभी भी नकार रहा हूं। ठीक है, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। कमाल की बात यह है कि हर कोई अलग अलग तर्क के जरिए ये कहने की कोशिश जरूर कर रहा है कि भूत हो सकते हैं, तो क्या वाकई में विकल्प अनुष्ठान है? और अगर अनुष्ठान कराना है तो करा ले, इस मुद्दे को आगे बहस के लिए क्यों बढ़ाते हैं? जनता से जुड़े, जिंदों से जुड़े बहुत से मुद्दे हैं जिन पर बहस होनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये इनकी मानसिकता बड़ी निम्न है, अशिक्षित लोग पहुंच गए हैं विधानसभा में। अगर गांव में किसी डाकनी को अगर कोई डाकनी बोल के अगर कुछ प्रोपेगंडा करती है तो मुकदमा दर्ज हो जाता है और अरेस्ट कर लेते हैं, इनको भी अरेस्ट करना चाहिए ऐसा कुछ करते हैं। लोग तो मंगलयान पे देश पहुंच गया, पता नहीं कहां कहां पहुंच गए, ये तो लोग पता नहीं कौन सी शताब्दी में जा रहे हैं, समझ से बाहर है, ये तो अनपढ़ अशिक्षित लोगों का जमावाड़ा हो गया विधानसभा में।